बिलासपुर के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान सुरभि पाटले ने बताया कि उसका विवाह कौशल प्रसाद तेंदुलकर से हुआ है, जो वर्तमान में कटघोरा SDM पद पर कार्यरत है। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के दिन होंडा सिटी कार की मांग की गई थी, दहेज में कार देने के बाद ही विदाई की गई। सुरभि पाटले ने पति एवं सास पर कई गंभीर आरोप लगाए। पति और सास आए दिन उससे मारपीट, गाली गलौज कर प्रताड़ित करते हैं। प्रार्थी ने बताया कि कई बार पति द्वारा पेट में लात मारकर दहेज नहीं लाने पर तलाक देने की धमकी दी जाती रही। FIR में बताया गया है, सरकारी गाड़ी PSO और कर्मचारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुरभि पाटले ने बताया कि पिछले वर्ष प्रेगनेंसी के दौरान गाड़ी में जबरदस्ती PSO द्वारा बैठा कर मायके से मारपीट करते हुए उसे रायपुर ले जाया गया था। साथ ही उसने कहा, उसके एवं गर्भस्थ शिशु की हत्या का प्रयास किया गया है। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उसने इसकी शिकायत IG और SP से की है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से पुलिस प्रशासन द्वारा उनके पति SDM कौशल प्रसाद तेंदुलकर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मैं गर्भावस्था में थी, मुझे लगातार शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, लगातार नगद राशि की मांग की जाती थी और इस तरीके से चीजें वैसे ही चलती थी। किस पोस्ट में हैं आपके हस्बैंड? मेरे जो पति हैं वर्तमान में SDM कटघोरा के पद पर पदस्थ हैं। वो मारपीट भी करते थे ऐसा कुछ? जी सर, शारीरिक यातनाएं देना और गले में चाकू रख करके बार बार मेरी हत्या करने का प्रयास कर चुके हैं। मेरी माँ का गला घोट रहे थे और मैं जब 5 माह की गर्भावस्था में सर, मुझे इंटेंशनली फोर्सफुली वो मेरे पेट पर लात मारे थे, मेरी बच्चे की हत्या करने का प्रयास कर चुके हैं सर, और इससे ज्यादा शारीरिक यातनाएं सर मैं सह चुकी हूँ और उसके बाद आप लोगों को समझ आई। कार की भी डिमांड किया जा रहा है? जी सर, कार की डिमांड, लगातार नगद राशि की डिमांड, उनके डिमांड के अनुसार हम कार खरीदे भी थे सर और वो कार हमारे यहाँ ही थी, लेकिन जो कार खरीदने के बाद उस शादी के दिन दबाव डालना, होंडा सिटी कार आप खरीदे नहीं तो हम बारात नहीं लाएंगे, इस प्रकार से कहना और बार बार मुझे मायके छोड़ना, बार बार मुझे गर्भपात और बार बार तुम तलाक दो का दबाव बनाते रहते थे सर, और ये सारी चीज़ें मैं सहती गई। तब भी मैं प्रेग्नेंट थी तो कल के दिन में पारिवारिक जीवन हम व्यतीत करेंगे, साथ में रहेंगे करके मैंने हर संभव प्रयास किया है सर, अंतिम तक मैंने अपने कोशिश की है पर उन्होंने किसी प्रकार की भी गुंजाइश नहीं रखी। मुझे किडनैप करके ले गए, मेरे बच्चे जो मेरा छोटा सा 2 माह का बच्चा है सर, वो हर 1 घंटे में दूध पीता है, मैं 6 घंटे अपने बच्चे से दूर रही, मेरा बच्चा भूख में रो रहा था सर 6 घंटे।